उत्तर प्रदेश में सावन के बीच जाने के बाद भी मानसून की सक्रियता लगातार जारी है। आपको बता दें कि सूबे में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक बनी हुई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसी बीच भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के लखनऊ केंद्र ने आज यानी 21 अगस्त को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में कई हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। खबर में आगे जानिए कि मौसम विभाग ने आज किन किन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जाने आज कहां और कैसे होगी बारिश। मौसम विभाग ने बताया कि 21 अगस्त को वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, अमेठी, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर, सुल्तानपुर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, हराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रवस्ती, बस्ती, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, सीतापुर, अयोध्या में बारिश होने की संभावना है। इसी दौरान गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। राज्य में 22 अगस्त तक अच्छी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके बाद मानसून की गतिविधियां थमी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम में यह बदलाव हुआ दिखता है, लेकिन किसी भी समय बारिश हो जाती है और देखते ही देखते मौसम अचानक से बदल जाता है। UP में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मंगलवार को दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हुई, जबकि बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को उमस से राहत मिल गई। यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी बादल झूम कर बरसे। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत 30 से ज्यादा जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 22 अगस्त तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में भी बुधवार को बारिश का अनुमान जाहिर किया। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने यूपी में 30 से ज्यादा जिलों में आज यानी और कल यानी 21 और 22 अगस्त को भारी बारिश की आशंका जताई। IMD ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी लखनऊ, बस्ती और गोंडा समेत कई जिलों में 21 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। बुधवार को यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर, बहराइच, अमेठी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर, सुल्तानपुर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में गरज चमक और बौछार के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में पूरे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जता दी है, और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी में कई हिस्सों में 22 अगस्त तक अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मानसून पर ब्रेक लग सकती है। 21 अगस्त को पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि 22 अगस्त को पूरे यूपी में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत ज्यादा आशंका है। 23 अगस्त को पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। 24 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो सोमवार को प्रदेश का प्रयागराज में ये 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान बाराबंकी में 23.5 डिग्री सेल्सियस नापा गया। इस दौरान यूपी के कई जिलों में तेज बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो यूपी में मानसून फिर से एक्टिव हुआ, इसलिए बारिश का दौर वापस आ गया है, मगर कुछ दिनों के बाद मानसून मध्य बारिश की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद यूपी में कुछ समय के लिए बारिश का सिलसिला बंद हो जाएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।